नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपक ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर, और आज की वीडियो का टॉपिक है कि दोस्तों एक एग्जीबिशन लगा था दोस्तों गुलाब उद्यान में, तो वहाँ से मैं गुलाब के कुछ प्लांट लाई हूँ और कुछ मिनिएचर गार्डन के कुछ टूल्स और कुछ सामान लेके आई हूँ। तो आज यही चीज़ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे लास्ट तक के और पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस रेट में लेके आई हूँ और क्या क्या चीज़ लेके आई हूँ। आपको भी, मुझे तो दोस्तों बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही सुंदर कलर है दोस्तों, बहुत मज़ा आया मुझे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो में बढ़ाते हैं हम वीडियो को। और दोस्तों आज एक रेन लिली का फूल खिला है, तो बहुत ही खूबसूरत है वो। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर है फूल, ये देखिए। और एक हफ्ता पहले मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, पूरी हार्ड प्रूनिंग यहाँ से, लेकिन फिर भी ये फूल खिल रहे हैं और कितनी जल्दी इनकी ग्रोथ हो गई है दोस्तों। और भी एक फूल यहाँ से खिला था, ये देखिए, अभी भी फ्लावरिंग, एक दो फ्लावर तो निकल ही रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा है ये 30 से भी ज़्यादा बल्ब है, तो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आते हैं और दिखाते हैं आपको अपने प्लांट्स। तो ये देखिए दोस्तों, ये कौन कितने अच्छे सुंदर कलर, कौन कौन सी प्लांट लेके आई हूँ मैं। और ये देखिए, कुछ ये लेके आई हूँ मैं, ये मिनिएचर गार्डन के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत सारा वहाँ पर इतने सुंदर सामान मिल रहे थे दोस्तों। और प्लांट्स भी, जो सीजनल प्लांट है वो भी मिल रहे थे। और दोस्तों वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी बोनसाई ट्री की, तो वहाँ पर बहुत पुराने ट्री भी थे, 50-50 साल के, 20-20 साल के, बहुत सुंदर थे। और दोस्तों 2-3 दिन के लिए लगा है वो मेला, मतलब संडे तक के रहेगा। गुलाब उद्यान में तुलसी नगर के लिंक रोड पर है वो नर्सरी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, बहुत सुंदर है ये चीज़ें। तो ये मैं 3 लेके आई हूँ दोस्तों, ये 15-15 रुपए के दिए हैं। ये गार्डन, छोटे गार्डन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सामान है ये। और ये भी 30-30 रुपए के हैं, 30-30 रुपीज़ के दोस्तों। और ये बुद्धा जी है, ये 150 का है मुझे लग रहा है। और ये देखिए, ये 20-20 रुपीज़ की ये चेयर, बहुत सुंदर है ये। 2 चेयर लेके आई हूँ मैं दोस्तों। और ये एक सोफ़ा लाई हूँ, ये 40 रुपए का है। और ये डक देखिए, ये 20-20 रुपीज़ की ये 2 डक, बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोस्तों, छोटी सी, बहुत सुंदर लग रही है। और ये 40 रुपीज़ की है, 30 या 40 की है, बाकी ये 20-20 रुपीज़ की। तो ये मदर है इनकी, ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर लगेगी जब मैं बनाऊंगी। और एक ये डॉल लेके आई हूँ, ये डॉल 70 रुपीज़ की है, 70 रुपये की है। और एक ये डॉगी लाई हूँ, तो ये 60-70 रुपये का है। ये इकट्ठे लाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं रेट में, बाकी ये टोटल सामान मेरे 515 रुपए का है दोस्तों। और बहुत ही सुंदर बहुत सारी चीज़ें आई है वहाँ पर। बहुत ही ऐसा मन होता कि जैसे सारे ले लो, लेकिन पैसे की बात है इसलिए सब नहीं ले सकते। तो ये प्लांट मैंने लाई हूँ, ये देखिए गुलाब है ये। मैं इसको पहले ओपनिंग कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही सुंदर कलर है सभी के, सारे गुलाब बहुत ही सुंदर आए थे दोस्तों, बहुत सारे कलर आए थे वहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये सारा मैंने ओपन कर लिया है और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कलर लेके आई हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक ऑरेंज कलर है, और इसका भी देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये दोस्तों, ये ऑरेंज कलर है, और एक कलर दोस्तों ये वाला है, ये भी बहुत सुंदर कलर है ये दोस्तों। ये मेहरून कलर है, डार्क मेहरून है, बहुत ही सुंदर है।
और एक पीछे है ये दोस्तों, ये छोटी वैरायटी का है, मिनी वैरायटी का, और ये पिंक कलर का है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों एक ये येलो कलर का है, इसमें थोड़ा सा रेड का शेड दिया है इसमें, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और एक कलर दोस्तों ये लाइट पिंक है दोस्तों, तो इसकी देखिए कली टूट गई है, बहुत दुख हो रहा मुझे। ये देखिए वो कुछ प्लांट हम लाते हैं तो टूट जाती हैं दोस्तों फूल, कोई बात नहीं। तो ये लाइट पिंक है दोस्तों, और ये दो कलर थोड़ी वेरिएटेड में है, बहुत ही सुंदर है, ये सेडेड में है, तो एक ये पिंक कलर में है दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर है। और एक ये डार्क कोक कलर है, उसमें येलो कलर का शेड दिया है, बहुत ही खूबसूरत कलर है ये। तो दोस्तों ये शेडेड है, ये 150-150 में मिल रहे थे, पर मैंने कम करा के ये 130-130 में लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर कलर हैं ये, बहुत ही कैमरे में इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब सामने से देख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर कलर है। तो ये 150-150 में बोल रहे थे। और बाकी के जो सिंगल कलर है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही सुंदर कलर है। और ये जो है दोस्तों, ये मुझे उन्होंने 90 रुपये बोला था, लेकिन ये मैंने 70 रुपये में लाई हूँ। ये वाला जो कलर है ये भी 70 में लाई हूँ दोस्तों, और ये वाला जो कलर है ये भी 70 में लाई हूँ। ये फूल पूरा खिल चुका है, थोड़ा जब कम खिलता है ना तो बहुत ही सुंदर रूप रहता है, जैसे ये वाला थोड़ा कम खिला है तो बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों ये भी 70 में लाई हूँ, ये भी 70 में, और ये येलो कलर का है ये भी मैं 70 में लाई हूँ दोस्तों। और ये जो पिंक है, लाइट पिंक में है, तो ये भी दोस्तों 70 रुपये में लाई हूँ मैं। और दो में ये लेके आ गई हूँ मैं गुलदाउदी के प्लांट, तो ये एकदम पर्पल कलर है दोस्तों, ये वाला बहुत ही खूबसूरत है, तो ये 30-30 रुपीज़ में मैं लेके आ गई हूँ। और ये वाला जो कलर है ये थोड़ा सा मेहरून में है, ये मेहरून कलर है, ये बहुत ही खूबसूरत कलर है, इसका मेरे पास है लेकिन अभी उसमें फ्लावरिंग हुई नहीं है, कलियाँ बनी हुई है, लेकिन हम कौन से कलर है पता नहीं है, सारे कुछ कलर ख़त्म हो गए, कुछ कलर बचे हुए, कुछ की कटिंग बची है, तो दोस्तों पता नहीं। लेकिन मुझे ये कलर चाहिए था, मेहरून कलर है ये, और ये पर्पल कलर है, दोनों 30-30 रुपीज़ के बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों आप भी अगर जाइएगा तो वहाँ से, और भी बहुत सारे प्लांट है, सीजनल प्लांट है, बहुत ही सुंदर सुंदर गुलदाउदी है, पिटूनिया है, डांटस है, और भी बहुत सारे, गुलाब की भी बहुत सारी वैरायटी थी, और इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट के कलर थे और वैरायटी भी। ये दोस्तों मैं थोड़ी से कम में लेके आई हूँ, लेकिन जो 150 वाली वैरायटी है उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कलर है दोस्तों। तो मुझे ये दो पसंद आए, तो इसलिए मैंने दो ही लिए, मन तो हो रहा था कि और लूँ, लेकिन दोस्तों अभी इतने ही है, काफ़ी है, और मेरे पहले के भी रखे हुए हैं, काफ़ी कलर रखे हुए हैं, जो मैं रोड साइड एक जगह थी वहाँ से भी मैं 7-8 गुलाब लेके आई थी, तो कुछ दोस्तों है, कुछ मर गए हैं, उनके भी मैं अपडेट दूंगी जब मैं अच्छे से उनको रिपोर्टिंग वगैरह कर दूंगी। तो दोस्तों अभी तो मैं ये रिपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जब भी हम कहीं से लाते हैं, नर्सरी से या प्रदर्शनी से कहीं से भी लेके आते हैं, तो तुरंत रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम हमारे गार्डन के क्लाइमेट को वो समझे और उसमें थोड़ा सा रहे, खुश हो, हमारे प्लांटों के साथ में 1-2 दिन समय बिताए, उसके बाद में दोस्तों रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो एकदम जैसे लाते वैसे रिपोर्ट कर देते हैं तो दोस्तों प्लांट हमारे शॉक में चले जाते हैं, इसलिए तुरंत नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उनको अपने गार्डन के वातावरण में ढलना देना चाहिए, कम से कम 4-5 दिन तो रुकना चाहिए दोस्तों। तो मैं ये इनकी रिपोर्टिंग करूँगी, तो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और इस पर वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग? और दोस्तों ये और भी अगर आपको जाना है तो आप भी गुलाब नर्सरी, गुलाब उद्यान जो लिंक रोड पर है दोस्तों, तुलसी नगर के पास में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो संडे तक के अभी नर्सरी खुली है, 3 दिन की नर्सरी लगी हुई है,
तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग और मेरे ये जो प्लांट है ये पसंद आए, इनका कलर पसंद आए, तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बाय बाय।